जिला कलेक्टर उमाशंकर भार्गव द्वारा बरेली सिविल हॉस्पिटल का दौरा किया, जिसमें कोविड 19 सेंटर का निरीक्षण किया। साथ में जिला एसपी मोनिका शुक्ला, बरेली एसडीएम ब्रजेंद्र रावत, बरेली एसडीओपी अशोक घनघोरिया, बरेली थाना प्रभारी मनोज दुबे, नायब तहसीलदार सौरभ मालवीय, नायब तहसीलदार नीलू जैन के साथ बरेली सिविल हॉस्पिटल की जांच की गई। नगर पालिका सीएमओ श्याम सुंदर श्रीवास्तव ने मिलकर बरेली कोविड 19 सेंटर का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण करने के साथ साथ कोविड सेंटर में व्यवस्थाएं बनाने को लेकर दिशा निर्देश दिए। साथ ही प्रशासनिक अमले को कोविड 19 के चलते पूरी सतर्कता बरतने के लिए भी कहा। सर, इस समय जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की क्या स्थिति है और हम पॉजिटिव या नेगेटिव की तरफ बढ़ रहे हैं? आप जानिए कि शुरुआत में हमारे जिले में संक्रमण एक पर्टिकुलर टॉपिक में था, अभी जो संक्रमण है बाकी कुछ एरिया में फैल गया है निश्चित रूप से, लेकिन फिर भी अभी कंट्रोल में हमारे 87 जो पेशेंट थे वो ठीक होकर के कल ही वापस आए। वर्तमान में 86 लोग अभी भी कोरोना पॉजिटिव हैं। हम आज वहाँ बरेली आए, बारह बजे के सभी जगह व्यवस्था देते हैं। हमने जो हमारे CSC हैं और जो हमारे सिविल हॉस्पिटल हैं उन सभी जगह 10-10 बैच सैनिटाइजेशन के चालू करा दिए हैं। अब हम पॉजिटिव पेशेंट को बैली में रख रहे हैं। 10 बेड ऐसे हैं जहाँ सेंट्रल ऑक्सीजन का हमारा सिस्टम यहाँ पर है और पूरी तरह से चालू। लॉकडाउन की स्थिति क्या है सर? देखिए, मेरा मानना लॉकडाउन किसी समस्या का हल नहीं है। इसका सबसे बड़ा हल ये है कि हम सावधानी बरतें, सभी लोग 100% मास्क पहनें और जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करें, यही सबसे बड़ा इसका हल। सर, बरेली में आपने देखा यहाँ कैसी व्यवस्था? देखिए, बरेली हॉस्पिटल बहुत अच्छा, मैं डॉक्टर साहब की बहुत तारीफ करूँगा, यहाँ के प्रशासन की, SDM साहब की, CSP की, सबकी, सब लोगों की, CMO साहब की, सभी की, इतना साफ सुथरा बहुत अच्छा से उन्होंने करके रखा हुआ है और निश्चित रूप से मैं सबको इसके लिए बधाई देता हूँ। थैंक यू।